से लेवल का नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 देखा कैसे बनाते हैं। द न्यू डेफिनेशन इज हियर रिलेशन। हियर द टू सेट्स पी कंटेन ए बी सी एंड क्यू कंटेन अली बिनॉय भानु चंद्रा एंड दिव्या। दिस वन इफ यू सी दिस एरो डायग्राम ए इज रिलेटेड टू अली मीन्स फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ दिस पर्सन। बी इज बिनॉय एंड भानु एंड सी इज चंद्रा और डी जो है किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में अगर हम इसमें पूरा बनाना चाहेंगे तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हियर थ्री एलिमेंट्स एंड हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू हमारा कितना आएगा 15। मीन्स ए इज फर्स्ट ए किससे रिलेटेड होगा अली देन ए भानु बिनॉय चंद्रा एंड दिव्या। क्रॉस प्रोडक्ट सेट में फिर सेकेंड फर्स्ट लेंगे हम बी से बी अली बी भानु बी बिनॉय बी चंद्रा बी दिव्या। सिमिलरली फॉर हम किसके लेंगे सी के लिए लेंगे लेकिन हम यहाँ पे न्यू डिफाइन करना चाहते हैं इट इज़ द रिलेशन। जैसे कि यहाँ एक रिलेशनशिप क्या डिफाइंड हो रही है कि जो एक्स जो है यानी ए जो है इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द वाई मीन्स सेकेंड सेट मीन्स एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द वाई। तो अगर हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो एक आर रिलेशनशिप मीन्स आर सेट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई वेयर एक्स किसका एलिमेंट है आपका सेट ऑफ पी का, वाई किसका एलिमेंट है सेट ऑफ क्यू का। मीन्स जो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए अली से होगा बी भानु बी बिनॉय एंड सी चंद्रा से डिफाइंड होगा। तो दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो ये हम और इसको हम क्या कहते हैं एरो डायग्राम कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के बेस पे अगर हम जो हमने एग्जांपल देखा अगर हमें डेफिनेशन डिफाइन करना है रिलेशनशिप की तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो एलिमेंट है ए वो किससे रिलेटेड है सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ क्यू से रिलेटेड है। मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइंड है तो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे और ये जो आर जो है इसकी जो एलिमेंट है वो सारे जो एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं पी क्रॉस क्यू में। दिस ऑल एलिमेंट इज ऑल्सो बिलोंग इन पी क्रॉस क्यू मीन्स सेट आर इज द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो रिलेशनशिप में जो हमारा फर्स्ट होगा अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट बिकॉज आर इज द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। The subset is derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair. जो first element है वो second element से किसी ना किसी relation से क्या होगा combined होगा। जो first element है वो हमारा क्या कहलाता है setup P और second element जो हम कहते हैं the second element is called the image of the first element. सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन हमने रिलेशन डिफाइन किया अदर डेफिनेशन और यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो सेट पी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा डोमेन ऑफ द आर कहलाते हैं और जो एलिमेंट जो हम जो कि प्री इमेज रखते हैं अली किसकी अली का जो प्री इमेज है वो क्या है ए बिनॉय किससे रिलेटेड है बी भानु किससे भी रिलेटेड है बी चंद्रा किससे रिलेटेड है सी। तो जो अली भानु बिनॉय एंड चंद्रा बिकॉज दिव्या इज नॉट रिलेटेड एनी एलिमेंट ऑफ पी तो अली भानु बिनॉय एंड चंद्रा को हम कहेंगे रेंज ऑफ द सेट रिलेशनशिप ऑफ आर और ऑल एलिमेंट ऑफ क्यू हमारे जो कहलाते हैं को डोमेन कहलाते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स ये जो रिलेशन आर का फर्स्ट एलिमेंट जो आपका आंसर आया ए बी एंड सी दिस इज द डोमेन।
अगर हम फर्स्ट एलिमेंट एरो डायग्राम का देखें तो दिस इज ए बी सी, दिस इज द डोमेन ऑफ द सेट आर, रिलेशन ऑफ आर. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर फोर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशनशिप आर, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ इन द रिलेशनशिप आर मीन्स अली, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा इज कॉल्ड द रेंज. द होल सेटअप बी इज कॉल्ड द को डोमेन मीन्स होल सेटअप बी मीन्स ऑफ दैट ये दिस होल सेट ऑल एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड द को डोमेन. रेंज में ओनली कौन से एलिमेंट होंगे जो सेट पी में क्या रखते होंगे, प्री इमेज रखते होंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेटअप क्या आएगा आपका, को डोमेन आएगा. ओके तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं एग्जाम्पल से और अब फार बेटर आपको क्लियर होगा. एग्जाम्पल नंबर सेवन क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, आर रिलेशनशिप डिफाइन सच एज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. हमको इस फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, एंड सेकेंड वन कहता है कि राइट द डोमेन को डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें वाई इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वन गिवन है. तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मीन्स एक्स हम कहाँ से लेंगे, इन सेट ऑफ ए से लेंगे, सेट ऑफ ए से एक्स लेंगे. तो सबसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, पुट इन प्लेस ऑफ फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू वन. एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे तो वाई इक्वल टू टू, देन दिस इज फॉर एक्स इज इक्वल टू वन. सेकेंड इन प्लेस ऑफ वाई में हम टू रखें तो टू प्लस वन इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री. मीन्स अगर हम सेट आर को सिंपली रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम वन ले रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट इज वन मोर देन ऑफ द फर्स्ट, वन इज टू. टू किस से रिलेटेड होगा आपका, थ्री से. थ्री किस से रिलेटेड होगा नेक्स्ट, फोर से. फोर किस से रिलेटेड होगा आपका, फाइव से. फाइव किस से रिलेटेड होगा आपका, सिक्स से. अब सिक्स किस से रिलेटेड होगा, सेवन से. बट सेवन इज नॉट हियर, तो ओनली दिस एलिमेंट्स इन आवर रिलेशन आर. ओके तो अब इसको एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है. तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज सेट ए और इसको रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो अगेन जो हमारा सेटअप बी हमारे पास आया, वन इज़ रिलेटेड टू टू, यहाँ पे वन आपके पास है. टू इज़ रिलेटेड टू थ्री, थ्री इज़ रिलेटेड टू फोर, फोर इज़ रिलेटेड टू फाइव, फाइव इज़ रिलेटेड टू सिक्स. ये पूरा एरो डायग्राम है, आप इन सर्किल के अंदर लिखिए. तो दिस इज़ द एरो डायग्राम ऑफ इट. नाउ राइट द डोमेन ऑफ इट. तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन आर. तो डोमेन को हम क्या डिफाइन करेंगे, डोमेन विल बी इक्वल टू सेट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. इंक्लूड होगा क्या, नो, बिकॉज सिक्स तो किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो रहा है. तो ओनली डोमेन में हम कहाँ से एलिमेंट लेंगे, वन टू फाइव तक लेंगे. ओके नेक्स्ट हमको अगर हमें रेंज डिफाइन करना है तो रेंज मीन सेकेंड एलिमेंट जो हमारा उस सेट से रिलेटेड है. तो सेकेंड एलिमेंट केवल कौन से रिलेटेड थे हमारे, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स रिलेटेड थे. तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज द रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अ कोडोमेन हम किसको डिफाइन करते हैं, कोडोमेन मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन. हैंस द कोडोमेन इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट को लेते हैं. एग्जांपल नंबर एट क्या गिवन है हमको, यहाँ पे इन द फिगर में हमको बोल रहा है द एरो डायग्राम इज शोन एज हियर. इसको पहले हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, देन इसकी डोमेन और रेंज को लिखना है. अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो नाइन है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, थ्री एन माइनस थ्री से रिलेट हो रहा है. फोर किससे रिलेटेड हो रहा है, टू एन माइनस टू से रिलेटेड हो रहा है. ट्वेंटी फाइव किससे रिलेटेड कर रहा है, फाइव एन माइनस फाइव से. मीन्स फाइव का स्क्वायर भी ट्वेंटी फाइव है, माइनस फाइव का भी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है. मीन्स जो ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट के क्या है, स्क्वायर है. एक रिलेशनशिप हमको यहाँ पे क्लियर हुई. डोमेन कौन सा होगा आपका, द डोमेन इज
द फर्स्ट सेट जो रिलेटेड कर रहे हैं इस सेकेंड सेट क्यू से. तो डोमेन इज 9, 4 एंड 25. वॉट इज द रेंज? रेंज जो प्री इमेज एग्जिस्ट करते हैं. तो प्री इमेज सबसे फर्स्ट हम -2, -3, -5 एंड देन 2, 3 एंड 5. 1 हमारा रेंज में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज 1 की जो प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रही है. ओके तो अब इसको हमें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है. तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो एक्स है वाई से किस प्रकार रिलेटेड कर रहा है. तो 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म किस प्रकार में लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म इज सिंपली पी द रिलेशन आर विल बी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ पी एंड एक्स इज एलिमेंट क्यू वाई इज एलिमेंट ऑफ क्यू. रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं. तो हमारा रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट आएगा 9, 3. देन सेकेंड आपके पास कितना आ जाएगा? 9 एंड -3. फिर उसके बाद 4, 2 एंड देन 4, -2. दिस इज द रोस्टर फॉर्म के हमारे सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे. एंड 25 एंड 5 एंड नेक्स्ट इज 25 एंड -5. ओके क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं. दिस इज वन नोट इज गिवन हियर. व्हाट इज द नोट? इज दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसे फर्स्ट हम जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, अगर एक सेट ए है उसमें अगर एन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं या एम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एन, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते थे? पावर सेट कौन किस सेट को डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए. पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए. इट इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? 2 टू द पावर m. 2 टू द पावर m हमारे पावर सेट के ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू को डिफाइन करता है. तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में होंगे मीन्स उतने ही हम सबसेट डिफाइन कर सकते हैं सेट ए के. ओके कॉन्सेप्ट को सुनिए. जितने ही नंबर हम हमारे पावर सेट ऑफ ए में इंक्लूड करेंगे उतने ही सबसेट हमारे सेट ए में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जितने सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे. लेट हमारे पास एक सेट ए है और सेट बी है. सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लें तो लेट इट इज पी एंड क्यू. तो अगर हम ए क्रॉस बी डिफाइन करें तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था इसके प्रीवियस लेक्चर में? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी. इट इज पी क्रॉस पी मल्टीप्लाई क्यू. इट इज पी क्यू. ओके तो हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इट इज 2 टू द पावर pq. हैंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट आर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, यही हमारा नंबर ऑफ रिलेशनशिप होगी. जितने भी हमारे सबसेट्स होंगे वही हमारे नंबर ऑफ रिलेशन क्या करेंगे देंगे, क्योंकि ईच एलिमेंट को हम किसी ना किसी तरीके से हर सबसेट के सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं. हैज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी डिफाइंड हियर 2 टू द पावर pq. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2. सेट बी में कितने हैं? 3. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हमारे क्या होंगे? 2 टू 4. इट मीन्स 4 आ जाएगा. तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम द हियर 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, आंसर जो हमारा आएगा उसको लिखेंगे, इट इज 16. ओके इसी के बेस पे आप साइज 2.2 बड़े आसानी से बना सकते हैं. इसको ट्राई करके देखिए. थैंक यू.